जो विधायकों पर लाठी बरसी थी, और आज फिर से वही खेल खिलाया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री जी हमेशा विधायिका को अपमान करते हैं और विधायिका को हतोत्साहित डिमोरलाइज करते हैं। इस तरह का खेल सदन की गरिमा नहीं बढ़ाता है। क्या राज्यपाल से भी मिलने जाने का? आज 3:30 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ हम सभी विधानमंडल दल के सदस्य जाएंगे। मार्शल आउट भी किया। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि बिहार विधान परिषद के और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया कल हत्या को लेकर, और आज फिर से राजभवन मार्च करने की बात तमाम नेता कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान सामने आया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि हम जो है वो विधानसभा से सीधे जाकर राज्यपाल से मिलेंगे, और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने हत्या करवाया है तो इसमें राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, पूरे बयान को सुनिए। को रोक करके रखे, लाठियां बरसाते रहे, ये हमारे विधायकी कार्य में बाधा उत्पन्न किए हैं। आज हमने विधानसभा अध्यक्ष महोदय से कहा, विशेषाधिकार हनन का पत्र दिया, और हमने आग्रह किया कि अध्यक्ष महोदय, मैं विधानसभा अध्यक्ष था और आप आए थे अपने मुख्य सचेतक माननीय ललित यादव जी के साथ। आपके नेता ने कहा था कि लोगों पर लाठियां बरसी है, हमने स्पेशल कमेटी गठित किया, डीजीपी मुख्य सचिव को बुला करके बैठक भी किया था। एक साल से वो विशेषाधिकार हनन का मामला क्यों रुका हुआ है? जो विधायकों पर लाठी बरसी थी और आज फिर से वही खेल खिलाया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री जी हमेशा विधायिका को अपमान करते हैं और विधायिका को हतोत्साहित डिमोरलाइज करते हैं। इस तरह का खेल सदन की गरिमा नहीं बढ़ाता है, और आसन से आप कस्टोडियन का रोल अदा नहीं कर रहे, सरकार के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं, जिससे विधायिका लज्जित हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। आप इमीडिएट विशेषाधिकार हनन का नोटिस लीजिए और इस पर कार्रवाई करिए। आज प्रोटोकॉल कमेटी पर भी आपने बैठक नहीं किया, एक वर्ष से विशेषाधिकार कमेटी की बैठक तक नहीं किए हैं। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र में इन लोगों को विश्वास नहीं है। अगर जो इस नोटिस पर ये एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। क्या राज्यपाल से भी मिलने जाने का? आज 3:30 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ हम सभी विधानमंडल दल के सदस्य जाएंगे। मार्शल आउट भी किया गया सर, आज भी विधायक? ये इनका नियति बन गया है, विपक्षियों की आवाज़ को दबाना, सदन से बाहर करना, अपमानित करना, आसन की गरिमा को गिराना, इनकी नियति बन गई है। जब मानवता मर जाता है तो लोक लज्जा और संवैधानिक संस्थानों पर विश्वास घट जाता है। ये पुलिस और प्रशासन कह रही है कि उनकी विजय सिंह की लाठी चार्ज में मौत नहीं हुई है। आप एक चीज बता दें कि बिना पोस्टमार्टम के कैसे डीएम का वक्तव्य आया, कैसे वक्तव्य आया? ये हस्तिनापुर के गुलामों, आप सरकार के पक्ष में प्रवक्ता बनते हैं, उच्च स्तरीय इसकी जांच हो। और मैं बता दूं, सारा फुटेज निकाल करके मैं रख रहा हूं, जो जो सर पर लाठी बरसाया उस पदाधिकारी को चिन्हित करके सत्ता बदलते ही कार्रवाई के लिए हम लोग करेंगे काम।